कमाई आप जानोगे तो हैरान हो जाओगे। इस जुगाड़ की कमाई इतनी हो सकती है जो सरकारी नौकरी को भी फैल कर देगी भाई। हमारे पास है 8 पंप है। अच्छा अच्छा, इस तरह की सको कितनी को होती होगी इतनी कमाई? अगर हिसाब लगाओ तो अगर टूट फूट है कोई कुछ दिक्कत ना हो, हाँ, तो 25 से 30 हज़ार रुपये डाल देता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज भाई लेकर आए हैं एक ऐसा जुगाड़ भाई जो इस भाई का है। पहले ट्रैक्टर देख लो, स्वराज 969 एफी ट्रैक्टर है। तो ये ऐसा जुगाड़ है भाई, तो ये जुगाड़ है भाई, इसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे और इसको लेकर आप अपना मतलब अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं। और इसकी कमाई आप जानोगे तो हैरान हो जाओगे कि इस जुगाड़ की कमाई इतनी हो सकती है जो सरकारी नौकरी को भी फैल कर देगी भाई। तो ये भाई है तो इसके बारे में बता दीजिए। तो नमस्कार भाई। नमस्कार भाई। तो इस अपने ट्रैक्टर के और इस जुगाड़ के बारे में बताओ, मतलब ये कित के जो हुआ है भाई? ट्रैक्टर अपना यो 969 है। अच्छा अच्छा, स्वराज एजेंसी का कंपनी का। हाँ भाई, यू पंप। अच्छा अच्छा, यो पंप है। हाँ भाई, तो इसके बारे में बताओ, मतलब सरकारी नौकरी ने यो क्यों कर फैल कर देगा भाई? जब आज के टाइम पर बारिश, हाँ, और खेतों पे ही गहराई, हाँ, बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हाँ, इधर से उधर पानी भी जा रहा है। हाँ, नष्ट हो जाती है, फसल नष्ट हो जाती है। अच्छा अच्छा, तो उसको बचाने के लिए, अच्छा अच्छा, ये जुगाड़ अपन तैयार करवाया। अच्छा, ये जुगाड़ है। हाँ, ये देख लो भाई। भाई ये अपना अंडर ब्रिजों में पानी निकालते हैं आपा। अच्छा अच्छा, रेलवे का। हाँ, जो कि तकरीबन आधा हरियाणा मेरे पास है। हाँ हाँ, ऑलरेडी आधा हरियाणा आपके पास है। हाँ, ठीक। कहाँ चला इनने अपनी? हाँ, नरवाना से लेकर चलती हैं। हाँ, और दिल्ली तक जाता है अपना मतलब। अच्छा अच्छा, खेतों में, हाँ, जोड़ों में, तालाबों में, मतलब कहीं भी पानी निकालना हो। हाँ, हर एक कार्य में सक्षम है। सक्षम है। हमारे पास है 8 पंप है। अच्छा अच्छा, इस तरह के हर अलग टाइप के? हर अलग टाइप के। हाँ, ये मॉडल एक है, दूसरा, हाँ, मॉडल इसका तैयार हुआ। अच्छा, बाकी जहाँ पे हमें परमानेंट 100 घंटे 150 घंटे 200 घंटे, हाँ, वहाँ पे हमारे दूसरे पंप चलते हैं। अच्छा अच्छा, ये तो है हमारा 24 घंटे के लिए। हाँ भाई, 24 घंटे जहाँ पे लगाना भाई, 24 घंटे, हाँ, एक जगह चल सकता है, फिर रेस्ट देना। जो हमारे इंजन है वो हमारे 200 से 300 घंटे, अच्छा, एक साथ चलने वाले पंप है। अच्छा अच्छा, एक साथ। अच्छा, बिल्कुल भी नॉन स्टॉप। अच्छा हाँ। अच्छा, ये तो होगी मतलब पानी निकालने की। हाँ, तो एक बार कमाई और बता दो, कै रुपये घंटा चलती है भाई साहब? इस पंप का तो वैसे रेट है 2000 रुपये घंटा। अच्छा अच्छा, इसका जो पानी काटोगे 2000 रुपये घंटा चलेगा। हाँ, क्योंकि इसमें पंप भी बड़ा, ट्रैक्टर भी बड़ा है। हाँ, जिसमें तेल की कॉस्ट ज़्यादा आती है। अच्छा, जो हमारे दूसरे पंप हैं उनका कॉस्ट है 800 रुपये घंटा। हाँ, जिसमें बड़ा काम होता है उसमें थोड़ा हाँ कम हो जाता है। हाँ, क्योंकि लेबर चार्ज हर सामान लेना ले जाना। हाँ, हर एक उसमें हमारे पास वो होती है। अच्छा। हाँ, तो मतलब भाई किसी ने पानी निकलवाना हो तो आपको बुला सकता है कोई? हाँ भाई, बुला सकता है। हाँ, तो एक भाई अपना फोन नंबर और बता दे भाई। फोन नंबर है भाई 9813206813। अच्छा, और गांव कौन सा है? गांव भाई नारा। नारा। हाँ भाई। अच्छा, यो भाई का नंबर है। तो 2000 एक घंटे की है। हाँ भाई, एक घंटे का 2000। हाँ, तो दिन में यो कै घंटे चलता होगा भाई साहब? ये बारिश चल रही है, ये दिन में रेगुलर चलता ही रहता है। अच्छा। हाँ भाई, तो मतलब एक दिन की कमाई आप बता सको कितनी होती होगी? एक दिन की कमाई अगर हिसाब लगाओ तो अगर टूट फूट है कोई कुछ दिक्कत ना हो, हाँ, तो 25 से 30 हज़ार रुपये डाल देता है दिन के। दिन के, ये देख लो भाई। तो मैं आपको बता रहा था कि सरकारी नौकरी को भी फैल करने वाला जुगाड़ है भाई ये। तो एक बार नूर बता दो, क्यों करके काट दिया गया यो पानी भाई? यो हमारा पंप है जो कि खेतों में कहीं पर भी जाके सीधा डायरेक्ट लग जाता है। अच्छा, ये? हाँ, इस तरह यहाँ से ये इनपुट है। अच्छा, इसका? अच्छा, यहाँ से लेगा? हाँ, ये यहाँ से लेगा। अच्छा, ये यहाँ से आउटपुट निकालेगा पानी के बाद। अच्छा, पानी? हाँ, यो मतलब उल्टा सीधा भी हो? हाँ, ऊपर नीचे सब हो जाता है। एक बकर का दिखाओ। आओ, ये देखो भाई जुगाड़।
सरकारी नौकरी को भी फैल कर देगा भाई। आप कर रहे हो भाई तो यो जुगाड़ भाई मतलब टोटल ट्रैक्टर वैक्टर जोड़ का कितने में तैयार हो गया होगा भाई? तू ट्रैक्टर तो पूरी लड़ गया है। हाँ 16 लाख जुगाड़ 16 लाख का है। ट्रैक्टर कितने का आया था? ट्रैक्टर भाई अपना 11 लाख का। 11 लाख का देख लो भाई, वो 67 है पी ट्रैक्टर है 4x4। तो नन्हे भाई की शॉप पर आए हुए थे वो, यहाँ पर ये भाई आया भाई ट्रैक्टर वाला, ये म्यूजिक सिस्टम है भाई, ये नन्हे भाई ने लगा रखे है, ये देख लो पीछे। तो काफ़ी ज़बरदस्त जुगाड़ है भाई, तो आप भी इस तरह का तैयार करवा सकते हो। एक बार और अपना एड्रेस फोन नंबर सारी चीज़ बता दो भाई। मेरा नारा हाँ तहसील मतोडा हाँ जिला पानीपत अच्छा स्टेट हरियाणा अच्छा। एक और है 8168 32002 अच्छा, ये मेरे पिताजी का नंबर है। तो मतलब कौन कौन से एरिया में आप ने बुला सका है किसान भाई? भाई साहब तकरीबन तो फिलहाल बारिश चल रही तो हम अंडर ब्रिजों पर रहते हैं। हाँ जैसे ही अंडर ब्रिज हमारा काम फारिग होता है तो हम जैसे जमींदारों को भी हम काम करते हैं। हाँ साथ में अच्छा। हाँ वो तो जमींदार का मतलब जो भी होगा मतलब पंप जैसे वहाँ से चलेगा उसका कॉस्ट वहीं से चालू हो जाता है। अच्छा वहीं से ही कॉस्ट चालू हो जाए। हाँ, मतलब वहाँ से मतलब चलने में मतलब वहाँ से मतलब एरिया में कोई से मैं भी मंगवा सका है? हाँ एरिया सका है। हाँ कोई से भी एरिया मंगा सका है लेकिन कोस्टिंग तो चलेगा उसका कॉस्ट मतलब डाउन होगा। हाँ लेकिन पंप वहाँ पे जाने के बाद जो लगेगा उसका कॉस्ट अलग पूरा होगा। ठीक ठीक। तो जिस भाई ना भाई ये जुगाड़ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और यदि आप बिजनेस करना चाहते हो तो इस तरह का बिजनेस भी कर सकते हो। कमाई आपने भाई ने बता दी होगी, तो उम्मीद है किसान भाइयों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।